ओला इलेक्ट्रिक ने घोषणा की है कि कंपनी ने टैमसक के नेतृत्व वाले निवेशकों और भारतीय स्टेट बैंक से प्रोजेक्ट लोन के तौर पर सफलतापूर्वक 3200 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा ली है। कंपनी का कहना है कि नए निवेश का यूज़ वो तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले में कंपनी की पहली इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सेटअप में करेंगे। कंपनी पहले से ही कृष्णगिरी में अपनी काफ़ी बड़े प्लांट में इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक स्कूटर के कई मॉडल्स का प्रोडक्शन कर रही है। बैटरी सेल की आपूर्ति करने के लिए भी कंपनी तैयार है। ओला इलेक्ट्रिक का बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में अपनी तरह का पहला प्लांट होगा। इसका उद्देश्य ईवी के लिए बैटरी सेल को अधिक किफायती यानी कि सस्ता बनाने। कंपनी का जो टारगेट है कि एक नई गीगा फैक्ट्री जो कि बैटरी सेल बैटरी बनाने के लिए काफी बड़ी फैक्ट्री होती है, टर्म यूज किया गया था टेस्ला ने और इसको पॉपुलर टेस्ला ने बनाया। सो फैक्ट्री सेट करने का इनका प्लान है और अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ वो दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को भी बेचेंगे, ये उनका उद्देश्य है। गीगा फैक्ट्री का काम स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि भावेश अग्रवाल ने कुछ कुछ हफ्तों पहले अपने ट्वीट में उसकी फाउंडेशन सेरेमनी की पिक्चर डाली और अगले साल तक इसके चालू होने की स्टार्ट होने की पूरी। अगर फंड रेजर के बारे में बात करें तो भावेश अग्रवाल जो कि इसके हमारी दृष्टि में ऑटोमोबाइल उद्योग में पेट्रोल युग को समाप्त करने के लिए तैयार है। अपकमिंग गीगा फैक्ट्री ग्लोबल ईवी हब बनाने की दिशा में भारत में बहुत बड़ी छलांग होगी और हम ईवी और सेल में मुख्य टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए सस्टेनेबल मोबिलिटी में परिवर्तन को और तेज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की और तेजी से कदम बढ़ाते दृष्टिकोण में गहरा विश्वास दिखाया है। तो काफी पॉजिटिव हैं और काफी मार्केटिंग करते रहते हैं। तो ओला के बिकने का एक मुख्य कारण उनकी मार्केटिंग भी है और उनके सीईओ के बयान भी हैं जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक है, काफी पॉजिटिव है और कॉम्पिटिशन को वो काफी अच्छे तरीके से बीट भी कर